हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर अस्सलाम वालेकुम रबशा, आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। बहुत प्यार करने से बहुत बहुत हमारा दिल बढ़ा है। बिल्कुल, हमारा दिल बहुत ज्यादा बढ़ता है जब आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं और हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारी वीडियोस को देखते भी हैं। हाँ। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं अम्मी, आपने लेडीज यहाँ पे कितनी को देखी है पाकिस्तान में, जो जगह जगह ठेले जिन्होंने लगाए हैं, जो अपने कदमों पे खड़ी हुई हूँ मैंने तो बहुत, मैंने हमारे यहाँ पे तो मैंने कभी नहीं किसी को देखा। मैं पर्सनली बोलूँ एक या दो लेडी को देखा होगा, लेकिन इंडिया में भाई जो लेडीज है ना वो घर में घर संभालने के साथ साथ बाहर की ड्यूटी भी करती है, मतलब बाहर से भी अर्निंग करती हैं और बहुत ज्यादा भाई सस्ता खाना भी बेचती हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए में आज कोई जूता नहीं मारता, 10 रुपए में खाना मिल रहा है भाई इंडिया में, वो भी। इस वीडियो को देखेंगे, बड़ा मजा आएगा देखने में। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो, चलिए। भुवनेश्वर के भाई और बहनों, अपने बहुत ज्यादा आलू डम चकुली खाए होंगे, परंतु यहाँ का जैसे आलू डम का स्वाद और कहीं नहीं मिला अभी तक। तो आप भी आए यहाँ का आलू डम के साथ दही बारा और चकुली का लुत्फ उठाइए। क्या बात, आई है भाई, ये गाड़ी में आई है अभी काम करने आता है। हाँ। इथे स्टाल लाना है ना, उन्होंने वेखो गड्डी में सारा समान लिया है। क्या बात है यार, मेहनत वेखो, मेहनत हॉस्टल चल दिले, इरे गुडे बंधु आदा जाने आसी दोय बरा कर दिले, ताको घर को आसी। इंडियन लेडीज बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आसी जाले गुडे करबी ले, कॉलेज में दोय बरा करछी, दोय बरा करो दही बड़ा ताको साइकिल ताको सब जिंस लेके व्यापार देबे ना। 12 वर्ष तळे कटकर गुडे সেই টাইপ রাবর মনাউছন। হ্যাঁ, আর কটক লোক আসি মানুষ আছে, আমি কটক আলু দম ভালো লাগুছি, মানে আলু দম আলু দম মজাদার। ক্যা বাত, यार ये देखो ना वो कितने खुश है, है अम्मी आज पाउने से तो यार। क्या बात, मन जा के फिरन लगी जे ये तो रेस्टोरेंट आ रहा है तो ठीक है। ভাল কলে যে থরে খাই দেব, কিন্তু আউ থরে আসি মু সেটা চাই আমার তো মানে এক দফা যা খান লাগ পেনা না, ও বার বার ইতি আন্দা রোজ আন্দা ফির ঘর দে মশালে ইউজ করনে আ, বার দে নি ইউজ মার কর দে রে, রাত্রিরে বাটা হবে, রাত্রিরে বাটা হবে, টিভি ভাকর রাত নু সব কোশ কর কর রাখ রাখ না না চলো ਐ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਡੋਸਾ ਮੈਂ ਐਂਜ ਵੇਖੋ ਐਂਜ ਐਂਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਡੋਸਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜੰਜ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਉਹ ਲੁਣਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਤਾਰ ਕਰੀ ਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੁਣਾ ਦੇ ਤਾਪਰੇ ਮਾਲ ਆ ਮਨੇ ਲੁਣਾ ਲੈਣ ਪੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਲੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਬਤਾਰ ਕਰੀ ਆ ਇਹ ਇਹ ਕਾਟੇ ਦੇ ਦਿਆ 12 ਵਰਸ ਚੱਲ ਲਾਣੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਬੈ ਬੈ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮ ਲੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੱਪੜੀ ਕੀ ਆਲਦਮ ਹੋ ਗਲੀ ਕਿੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸੂ ਖਾਲੀ ਚੋਕਲੇਟਾ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਲੂ ਦਮ ਬੋਗਨੀ ਸਭ ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸੂ ਖਾਲੀ ਚੋਕਲੇਟਾ ਇਟ ਹੋਸੀ ਘਰ ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸੂ ਖਾਲੀ ਚੋਕਲੇਟਾ ਇਟ ਗਰਮ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋ ਚਾਹੇਦਾ ਨਾ ਗਰਮ ਖਾਇਬ ਆਮ ਟੀ ਸੇ ਜਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 5-6 ਦਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਆਹੋ ਡੋਸਾ ਦਾ ਬੰਦਾ दही बड़ा रखो पड़ी को कह रहा है
ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਛੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੱਡੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹਲਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਅਮਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਜੋ ਸਟਾਕ ਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੋਰ ਡੇਲੀ ਬਸਤੇ ਆਲ ਜਾਏ ਆ ਖਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਮ ਹੱਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਸੀਲੀ ਜਾਲੀ ਨਾ ਥਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੰਮ ਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੱਗਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੇਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਚੂਰਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਮੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਂਦੀ ਕਿਆ ਸਾਲੀ छोट पिलाठार वृद्ध पर्यटन खावा टेस्ट भी भल राग से नहीं अलमोस्ट ये टिफिन बहुत बढ़िया है मिठी मिठी आलू की चटनी है ना ओदा क्या स्वाद है आज हम नुआ खाओ नुआ फर्स्ट टाइम मैंने खाया कौन खाओ बोल ठीक है कौन दा बेसी बोल लाउ जा आओ 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 दम आलू नहीं जे चने ने आलू की चटनी है सही है उस तो बाद उत्ते प्याज पांदा है फिर उत्ते चूरा फिर उत्ते दही दी ओ जिहड़ी चटनी कुड़ी गाड़ी है क्रीम टाइप इहदा ना होर मजा बन जांदा होर चटनियां वेखो किन्नियां सिर्फ 10 रुपए अम्मी के लिए ये बेस्ट है 10 रुपए ਇਹ ਡੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ଦହିବରାଟା ରହୁଛି 40 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ହାଫ୍ଟା 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ଚକୁଳିଟା ରହୁଛି 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଟିଲିଟା 30 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଚକୁଳି ପିସ୍ ଚକୁଳି ଆଳୁଦମ ପିସ୍ଟେ ଖାଇଲେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ କାହିଁକି ନା ଆଳୁଦମରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ନା ହଁ ନ ରଖିଲେ ହବ ଆଉ ଟାଇମିଂ କେତେରେ କେତେଟା ରହୁଛି ଏ ଟାଇମ୍ ବେଲେ ସକାଳ 7 ଦିନ 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଲୋକେସନଟା ଏଇଟା ଆମର ହୁଣ୍ଡାଇ ଶୋରୁମ୍ ସାମ୍ନା ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଖ ग्रेट गाइस ये थी आज की वीडियो यार बड़ी मजेदार वीडियो थी बहुत ही अच्छा खाना भी लगा पानी आ रहा था सही बात है मुंह में पानी आ गया मतलब ना देख के खाने को इतना ज्यादा टेस्टी वो जो था ना दही भल्ले टाइप जो मतलब दही बड़ा उसको शायद बोलते हैं मुझे लगता है वो काफी ज्यादा ना टेस्टी लग रहा था उसमें 2-3 चटनियां उन्होंने मिक्स की थी ऊपर दही भी जो था ना बहुत ज्यादा गाढ़ा किस्म का हाँ सेवनिया हम उनको बोलते हैं जिसको आप शायद चूरा मुझे लगता है बोलते हैं और इसके अलावा भाई चटनियां 2-3 किस्म की जब मिक्स होती हैं तो मुंह में घुलते ही इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि 10 रुपए में हमें मिलता है 10 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं आता मुझे तो नहीं लगता कि इस दौर में 10 रुपए में कुछ आना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 10 रुपए में क्या है बच्चे भी नहीं लेते बच्चे भी नहीं लेते 10 रुपए सच्ची में 10 रुपए में इतना खाना आपको मिल रहा है डोसा जो है वो इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था मैं सच्ची में मैं चाहती हूँ मैं अपनी अम्मी को टेस्ट करवाऊँ डोसा यहाँ पे कहीं पे मिलता नहीं है
अगर मिलता होता तो मैं जरूर करवाती। इंडिया में तो जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं ना, जहाँ पे आपको डोसा हर जगह से मिलेगा। मैम को बता रही थी कि ये जो होती है ना 5-6 दालें मिक्स की होती हैं शायद, मेरा ख्याल जहां तक है, तो उनको ना उनको भिगो के ना रात भर रखते हैं, फिर बाद में सुबह होते ही उसको जो है ना वो दालें उनको ग्राइंडर जो होता है ना उसमें ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो मतलब जो इसका मिक्सचर बनता है ना उसके बाद उसको ना बनाते हैं ये तवे के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी टाइप ये जो होता है ना बन जाता है। और इसको जब आप आलू की सब्जी के साथ खाते हैं तो आपको मजा ही आ जाता है। आप अगर खा लेना एक दफा, आपने बार बार ये खाना है, इतना टेस्टी ये होता है। इंडिया में तो यार खानों की कमी ही नहीं है, इतने ज्यादा खाने हैं, इतने टेस्टी, इतना मजा। और यार ये लेडी और जो मतलब उनके मुझे लगता है हस्बैंड थे शायद, यहाँ हस्बैंड ना भी हो लेकिन यार दोनों का जो है कितना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ वो बेच रहे हैं, एक तरफ वो बना रही हैं, तो यार मतलब ऐसा अपने लेडीज जो होती हैं इस तरह से उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत जज्बा बन जाता है। वो अपने आप को इस काबिल समझती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं, एक स्टॉल लगा के ही हम बहुत ज्यादा आगे भी जा सकते हैं। मैंने इंडिया में भी ऐसी ऐसी मिसालें देखी हैं, लड़कियां जो मतलब पढ़ती होती हैं ना वो अपना खर्चा खुद उठाने के लिए एक स्टॉल लगा लेती हैं, साथ में वो पढ़ती हैं साथ में वो एक स्टॉल लगा लेती हैं, और बाद में फिर वही उनका बिजनेस बन जाता है। पानीपुरी इंडिया में बहुत ज्यादा बिकती है, तो वहां पे ऐसी एक लड़की है जिसने पानीपुरी बेच के ना तो अपना बिजनेस बहुत बड़ा बना लिया है। तो ऐसे ऐसे आपको मिसालें वहां पे मिलेंगी, तो ऐसी मिसालें मैं चाहती हूँ पाकिस्तान से भी निकलें, ताकि मुझे भी फख्र हो हमारे पाकिस्तान पे कि यार यहाँ से कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया में तो ऐसी मिसालें जितनी गिनी जाए उतनी कम है। बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वीडियो देख, फिर से एक मोटिवेशन मिली है कि हर लेडी को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, अपने हाथ पे हाथ धर के घर पे नहीं बैठना चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, आपको कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं।